नमस्कार, एनएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इन दिनों देश में दो ऐसे मुद्दे हैं जिनकी घोर चर्चा चल रही है। पहला है राम मंदिर का मुद्दा और दूसरा है मोदी को हराने के लिए बनाए गए गठबंधन में सीट शेयरिंग का मसला। यहाँ राम मंदिर का तो फाइनल है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी, प्रधानमंत्री मुख्य यजमान होंगे और कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी, क्योंकि कहा जाता है कि नेहरू जी भी सोमनाथ मंदिर के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। तो कांग्रेस को तो अपनी पुरानी परंपरा पर चलना ही पड़ेगा। लेकिन आज मुद्दा ये नहीं है, बल्कि मुद्दा ये है कि क्या मौजूदा वक्त में कांग्रेस का सबसे बुरा दौर चल रहा है या फिर इससे भी बुरा दौर कांग्रेस के लिए आने वाला है, क्योंकि मिलिंद देवड़ा का जाना शुरुआत बताई जा रही है और इसके पीछे का कारण है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि शिंदे ने ऐसा क्यों कहा, वो भी समझ लीजिए। दरअसल मिलिंद देवड़ा ने जब कांग्रेस से 55 साल पुराना रिश्ता तोड़ा तो शिंदे का हाथ थामा और शिंदे ने उन्हें हाथों हाथ थाम भी लिया, क्योंकि शिंदे जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव नजदीक है और देवड़ा अच्छे जनाधार वाले नेता हैं और कई नेताओं के ऊपर उनका प्रभाव भी माना जाता है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि फिलहाल जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं नसीम खान, वो भी कांग्रेस से किनारा कर सकते हैं। और कहा ऐसा भी जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में पहली बलि चढ़ चुकी है मिलिंद देवड़ा के रूप में, और आने वाले वक्त में अगर सबसे ज्यादा झटके किसी पार्टी को लगने वाले हैं तो वो पार्टी भी कांग्रेस ही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको बताता हूँ कि मिलिंद देवड़ा के जाने से कैसे कांग्रेस के खजाने में सेंध लगी है। मिलिंद कर गए कांग्रेस के खजाने में सेंध मारी। मिलिंद देवड़ा को कांग्रेस के लिए फंड जुटाने वाले नेताओं में सबसे अहम माना जाता था और वो कांग्रेस के खजाने को भरने में अहम रोल भी निभाते आए थे। मिलिंद के कॉरपोरेट जगत में अच्छे संबंध बताए जाते हैं और उस कॉरपोरेट से वो अब तक कांग्रेस के लिए अच्छा खासा फंड जुटाने का काम करते आए हैं। लेकिन अब जब वो पार्टी छोड़ चुके हैं तो चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के ऊपर आर्थिक संकट मंडरा सकता है, क्योंकि देवड़ा के जाने से कांग्रेस ने मुंबई में महत्वपूर्ण मारवाड़ी और गुजराती व्यापारिक समुदायों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने वाले एक नेता को खो दिया। देवड़ा को राहुल गांधी का करीबी माना जाता था, इस तरह कांग्रेस की मुंबई राजनीति पर बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। कांग्रेस की आर्थिक स्थिति तो कमजोर होना लाजमी है, और अगर आपको कांग्रेस के कुल खजाने के बारे में बताऊं तो मौजूदा वक्त में कांग्रेस के पास महज 800 करोड़ रुपए के आसपास का खजाना बाकी है, जो बीजेपी के मुकाबले कई गुना कम है और ऊपर से लोकसभा का चुनाव सर पर है। तो चलिए अब आपको बताता हूँ कि शिंदे ने जो दावा किया है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, उसमें कितना दम है। सीट शेयरिंग की बलि चढ़ेंगे कांग्रेस के नेता, ये तो आपको पता ही है कि बीजेपी को हराने के लिए जो गठबंधन बनाया गया है उसमें 28 दल शामिल हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी गठबंधन के केंद्र में शामिल है, सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन कांग्रेस के लिए क्षेत्रीय दल बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। जिस राज्य में जो दल मजबूत है वो कांग्रेस को तवज्जो देने के मूड में बिल्कुल नहीं। बंगाल में ममता दरकिनार कर चुकी हैं, यूपी में अखिलेश ड्राइविंग सीट पर हैं, बिहार में लालू नीतीश को सब कुछ चाहिए, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी से शिंदे निकल चुके हैं, अजीत पवार निकल चुके हैं, और वहां शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे और शरद पवार कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें देने के मूड में नजर नहीं आ रहे। लेकिन इन राज्यों में कांग्रेस के जनाधार वाले नेता आज भी मौजूद हैं। लेकिन सीट शेयरिंग के मामले में कौन सी सीट किस पार्टी के हाथ लगे किसी को नहीं पता। ऐसे में जिस नेता का टिकट कटेगा वो भागदौड़ करेगा, और इस वक्त बीजेपी की छतरी के नीचे अपार संभावनाएं सबको नजर आ रही हैं। तो ऐसे में ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि मिलिंद देवड़ा का नाम पहला और आखिरी नाम हो सकता है, बल्कि उम्मीद इस बात की ज्यादा है कि और भी नेताओं से कांग्रेस को हाथ धोना पड़ सकता है। और साथ ही इस बात पर भी गौर करना जरूरी हो जाता है कि कांग्रेस के नेता जब कांग्रेस छोड़ते हैं तो कांग्रेस के आलाकमान को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। किसी को अगर पार्टी छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, छोड़ दे, मैं क्या कह सकता हूं। कुछ दिन पहले नागपुर में उनसे मुलाकात हुई थी, अच्छी अच्छी बात भी हुआ था आपस में, मतलब एक्सचेंज ऑफ व्यूज भी हुई थी, उनके बारे में हम सही सलामत है या नहीं पूछा, खैरियत पूछे गए, उन्होंने भी मेरे खैरियत पूछे। पहले हमारा मंत्री थे,
चुनाव जीते थे, कांग्रेस पार्टी के एमपी थे, तो अभी गए तो मैं क्या कर सकते, उनको पूछे ना क्यों गए हो, कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं दिया कि आज जाने की उनको नौ बता गई, ये उनको पूछे, मुझे पूछने में क्या फायदा। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री ने उनके रेजिग्नेशन की टाइमिंग सेट की है। देखिए अगर कांग्रेस जब कहते हैं कुछ सच्चाई है, मुझे तो इतना जानकारी नहीं है, सारे जानकारी मुझे अवगत नहीं हो सकते, कैसे हो सकता। अब जाते जाते कांग्रेस का दौर भी समझ लीजिए कि क्या ये सबसे बुरा दौर है या फिर कांग्रेस का इससे भी बुरा दौर आने वाला है। और बुरे हालात में जा सकती है कांग्रेस। कहानी को अगर आजादी के बाद से समझे तो 1951-52 से लेकर 2019 तक हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 2004 में सबसे कम 417 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। हालांकि इस दौर में भी कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब रही थी यूपीए गठबंधन के दम पर। इससे कम सीटों पर कांग्रेस ने उससे पहले कभी चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन इस बार हालात अलग हैं, इस बार परिस्थितियां बदली हुई हैं और उसे इस बार 300 से कम सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ सकता है। कांग्रेस को ये इसलिए करना पड़ सकता है क्योंकि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली, पंजाब की करीब 250 सीटों में से कांग्रेस को 50 से भी कम सीटें मिलने का अनुमान है। इन राज्यों में गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग करनी पड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस को इस बार के चुनाव में अपनी कई मजबूत सीटें छोड़नी पड़ सकती हैं और कहीं ऐसा भी हो सकता है कि उसे अपना क्षेत्रीय दल भी छोड़ना पड़ जाए। मिलिंद देवड़ा के उदाहरण से समझ लीजिए, क्योंकि देवड़ा जिस सीट से चुनाव लड़ते आए हैं वो सीट इस बार शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के पास चली गई और देवड़ा ने कांग्रेस को बाय बाय कर दिया। और इसी तरह से जितने राज्य आपको गिनवाए हैं उन राज्यों में भी कांग्रेस की लुटिया डूब सकती है और कांग्रेस पार्टी अपने सबसे बुरे दौर में जा सकती है। और पिछले चुनाव में जो उसे 52 सीटें मिली थी, इस बार वो सीटें और भी कम हो सकती हैं। तो इस पूरी खबर को देखने के बाद आपको क्या लगता है कांग्रेस का भविष्य आने वाले वक्त में या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।